125 स्क्वायर यार्ड का एक ब्यूटीफुल एंड लग्जरियस 3 BHK विला इन 125 सेक्टर मोहाली। हैव सम ग्लिम्प्स। वेलकम बैक टू आवर चैनल ट्रासिटी प्रॉपर्टी गुरु। मैं हूं आपकी होस्ट तरन्नुम एंड आज मैं आई हूं 125 सेक्टर मोहाली में, जहां पे मैं आपको दिखाने वाली हूं एक 140 स्क्वायर यार्ड का ब्यूटीफुल सा 3 BHK विला। सो गाइस, दिस इज द आउटर एलिवेशन ऑफ द विला। आप देखिए कितना ज़्यादा ब्यूटीफुल इन्होंने ये बना रखा है यहाँ पे। अगर हम आउटर स्पेस की बात करें, कनेक्टिविटी की बात करें, तो ये जो आपकी लोकेशन है ये कनेक्टेड रहेगी आपके PR7 इंटरनेशनल एयरपोर्ट रोड के साथ। नियर बाय प्लेसेस की बात करेंगे तो आपका VR मॉल, KFC, आपका बर्गर किंग, आपके हॉस्पिटल, स्कूल, कॉलेज सब आपको यहाँ पे नियर बाय में मिल जाएंगे। तो आइए चलते हैं विला के अंदर। सो एंट्री करने के लिए पहले आपको ये ब्यूटीफुल सा यहाँ पे स्लाइडिंग डोर मिल जाता है। आइए अंदर। एंड जैसे ही आप अंदर एंटर करेंगे यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा स्पेस मिल जाता है गाइज। लाइक बाहर भी स्पेस है, अपनी गाड़ी आप बाहर भी पार्क कर सकते हैं। एंड यहाँ पे भी आप देख लीजिए कितना ज़्यादा स्पेस है, आपकी दो बड़ी बड़ी गाड़ियाँ यहाँ पे इजीली पार्क हो सकती हैं। कमिंग टू दिस सेक्शन, आप इसको यूटिलिटी पर्पज से भी यूज़ कर सकते हैं एंड यहाँ पे अपना सेटिंग स्पेस वगैरह भी क्रिएट कर सकते हैं, प्लांट्स वगैरह भी यहाँ पे लगा सकते हैं। तो मल्टीपर्पजली आप इसको यूटिलाइज कर सकते हैं। सो आइए अब चलते हैं अंदर। पर आपको अंदर लेके जाने से पहले मैं आपको ये बाहर का दिखा देती हूँ। लाइक काफ़ी अच्छा वुडन वर्क कंप्लीट इन्होंने यहाँ पे कर रखा है, पैनलिंग कर रखी है, जो कि एंट्री को काफ़ी सुंदर बना देती है। वही चलते हैं अंदर। जैसे ही आप घर में एंटर करेंगे आपको ये ब्यूटीफुल सा वुडन डोर मिल जाता है विद डिजिटल लॉक। लाइक आपकी सिक्योरिटी का यहाँ पे आपको कोई भी इशू नहीं होने वाला है। तो जैसे ही आप अंदर एंटर करेंगे सबसे पहले हमारे पास ये डाइनिंग एरिया आ जाता है एंड यहाँ आ जाएगा आपका ड्राइंग एरिया। लाइक ये सेक्शन आपका रनिंग में कंप्लीट रहने वाला है, जिसमें आप ये ब्यूटीफुल सा विंडो यहाँ पे देख रहे हैं। बाहर का पूरा आउटर व्यू आप यहाँ से इंजॉय कर सकते हैं। ऊपर फॉल सीलिंग देखिए, कंप्लीट लाइटिंग वगैरह ऐड करके बहुत ही ब्यूटीफुल सा फॉल सीलिंग यहाँ पे इन्होंने क्रिएट कर रखा है। नीचे पूरा टाइल वर्क आ जाएगा फ्लोरिंग में पूरे ही घर में। एंड गाइज, आपके डाइनिंग एंड ड्राइंग एरिया को इस ब्यूटीफुल से वुडन पार्टीशन के साथ इन्होंने यहाँ पे सेपरेशन कर रखा है, तो ये भी काफ़ी सुंदर यहाँ पे लग रहा है। लाइक एंड गाइज, एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगी कि इस घर में आप जितनी भी चीज़ें देखेंगे ना, वो सारी आपको एज इट इज़ मिलने वाली है। सो ये था हमारा ड्राइंग एंड डाइनिंग एरिया। अब इसके बाद हम चलते हैं हमारे किचन में। सो यहाँ आ जाएगा हमारा कंप्लीट मॉड्यूलर किचन, जिसमें आपको डिफरेंट चीज़ें मिल जाएंगी। स्टार्टिंग से यहाँ से शुरू करते हैं तो यहाँ पे आपको पेंट्री के लिए स्पेस मिल जाता है, जिसमें ऊपर भी स्पेस है नीचे भी स्पेस है। ये आपके अपर कैबिनेट्स आ जाएंगे विद हाइड्रोलिक ओपनर। नीचे ये कंप्लीट आपका कुकिंग काउंटर आ जाएगा, यहाँ रहेगा आपकी चिमनी के लिए स्पेस। अपर कैबिनेट्स में भी डिफरेंट कैबिनेट्स आ जाएंगे आपके। लाइफ आप देख सकते हैं यहाँ पे काफ़ी अच्छी स्टोरेज मिल रही है, ये भी देख सकते हैं। एंड नीचे की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे जो आपके कैबिनेट्स हैं वो सॉफ्ट क्लोजर के साथ आ जाएंगे। साइज़ आप देख सकते हैं डिफरेंट साइज़ यहाँ पे मिल रहा है। लाइक आपका सारा जितना भी सामान होता है किचन का, आपके यूटेंसिल्स, आपके बर्तन, वो सारे इसमें ईजिली स्टोर हो जाएंगे। इस तरफ अगर आएंगे तो यहाँ पे पहले आपको स्पेस मिल जाता है आपके रेफ्रिजरेटर के लिए। काफ़ी ज़्यादा स्पेस दिया गया है, जितना मर्जी बड़ा आप रेफ्रिजरेटर लगाना चाहें आप लगा सकते हैं। यहाँ पे आ जाती है ड्यूल सिंक, जिसमें आपके टैप्स भी प्रोवाइडेड रहेंगे। यहाँ पे भी आपको स्टोरेज के लिए स्पेस मिल जाता है, जहाँ पे आप अपने यूटेंसिल्स वगैरह वॉश करने के बाद यहाँ पे स्टोर कर सकते हैं। एंड गाइज, आपके यहाँ पे किचन में आपको यूटिलिटी एरिया भी मिल जाता है। सो ये आ जाएगा आपका यूटिलिटी एरिया। ये जो आपका स्पेस रहेगा ये आपके फर्स्ट बेडरूम के साथ भी कनेक्टेड रहेगा।
यहाँ पे टैप भी प्रोवाइडेड है, तो वॉशिंग वगैरह का काम भी आप यहाँ पे कर सकते हैं, अपना वॉशिंग मशीन यहाँ पे रख सकते हैं। ऊपर अगर आप ये देखेंगे तो ये टॉप तक पूरा ओपन रहेगा, तो आपका लाइट एंड वेंटिलेशन का ये एक सोर्स हो जाता है आपके घर के लिए। अच्छा, तो ये था हमारा किचन। अब चलते हैं हमारे फर्स्ट बेडरूम में, जो आपको ग्राउंड फ्लोर पे मिल जाता है। तो आइए, तो यहाँ आ जाएगा हमारा फर्स्ट बेडरूम जो आपको ग्राउंड फ्लोर पे मिल जाता है। पहले तो आइए आप इसमें स्टोरेज का स्पेस देखिए पहले, कि आपको कबर्ड्स यहाँ पे कितने ज्यादा मिल रहे हैं। गाइज, नीचे आपको 3 कबर्ड्स यहाँ पे मिल रहे हैं, ऊपर आप देखिए कितना ज्यादा स्पेस है। ड्रेसिंग टेबल आपका अलग आ जाएगा, नीचे उसमें आपका डिफरेंट स्टोरेज आ जाएगा। कितना ज्यादा स्पेस मिल रहा है यार, वाओ। और हर कबर्ड में आपको डिफरेंट लेआउट मिल रहा है, जिस तरीके से आप अपने कपड़े रखना चाहेंगे आप रख सकते हैं। यहाँ पे आ जाएगा आपका LED पैनल, ऑलरेडी इंस्टॉल रहेगा, अपना LED ला के आप यहाँ पे लगा सकते हैं, एंटरटेनमेंट एंजॉय कर सकते हैं। लाइट एंड वेंटिलेशन के लिए विंडो भी रहेगा एंड डोर भी आ जाएगा, जो आपको यूटिलिटी एरिया मैंने किचन से दिखाया था वो इसके साथ भी कनेक्टेड रहेगा। ऊपर कंप्लीट फॉल सीलिंग आ जाएगा आपका विद इनर एंड आउटर लाइट्स, एंड यहाँ आ जाएगा वॉशरूम। सो गाइज, वॉशरूम आपको कंप्लीट फिटिंग्स के साथ मिलने वाला है, जैसे आप यहाँ पे ये सिंक देख सकते हैं, सीट देख सकते हैं, अपना फ्लोरिंग सारा एंटीस्किड आ जाएगा। टैप्स ऑलरेडी आपका शार ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, जो वॉल्स हैं उन पे कंप्लीट ऊपर तक आपका टाइलिंग आ जाएगा, एंड वॉशरूम में भी यहाँ पे फॉल सीलिंग दिया गया है विद इनर एंड आउटर लाइट्स। एंड द बेस्ट थिंग, आपको यहाँ पे जो मिरर मिल रहा है ये आपका सेल्फी मिरर आ जाएगा, जिसको आप अपनी मर्जी से कंट्रोल कर सकते हैं। तो गाइस, ये था हमारा फर्स्ट बेडरूम। आपको ऊपर लेके जाने से पहले मैं आपको ये स्टोरेज का स्पेस दिखा देती हूँ, आपको घर के अंदर ही ये एक थोड़ा सा एक्स्ट्रा स्टोरेज का स्पेस मिल जाता है। कमिंग टू दिस साइड, यहाँ पे आ जाता है पाउडर रूम, जिसको आपके गेस्ट वगैरह यूज़ कर सकते हैं। आपके ड्राइंग, डाइनिंग एंड किचन के साथ ये कनेक्टेड रहने वाला है। तो आइए चलते हैं ऊपर। एंड गाइज, ये जो सीढ़ियाँ, ये जो एरिया आप देख रहे हैं ना, ये आपका डबल हाइटेड रहने वाला है। ऊपर तक स्पेस देख सकते हैं, एंड ऊपर आप ये ब्यूटीफुल सा झूमर भी देख सकते हैं। मेरा तो दिल आ गया है इस झूमर के ऊपर, बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहा है। एंड गाइज, दिस साइड आपको ये लग रहा होगा कि ये वॉलपेपर है, बट गाइज ये वॉलपेपर नहीं है, ये टेक्सचर्ड वॉल है जो बहुत ही ब्यूटीफुली यहाँ पे क्रिएट की गई है। जब मैं एंटर करी थी ना, मुझे भी ऐसा लगा था कि ये वॉलपेपर है, बट जैसे मैंने टच करके देखा ये टेक्सचर्ड वॉल है। तो आइए चलते हैं हमारे फर्स्ट फ्लोर पे। सो आपके फर्स्ट फ्लोर पे यहाँ पे आपके 2 बेडरूम्स आ जाएंगे। तो फर्स्ट आपका यहाँ रहेगा, अगेन आपको यहाँ पे भी इतना ज़्यादा स्टोरेज मिल रहा है, आप देख लीजिए। सेम कबर्ड स्टाइल आपका यहाँ पे भी रहने वाला है, आपका ड्रेसिंग टेबल भी एज इट इज़ यहाँ पे भी आपको मिलने वाला है। एंड इस रूम में भी आपका कंप्लीट ऊपर फॉल सीलिंग आ जाएगा, इनर एंड आउटर लाइट्स आप देख सकते हैं, AC की डक्टिंग आपको प्रोवाइडेड रहेगी, कंप्लीट विंडो आ जाएगा फॉर द लाइट एंड वेंटिलेशन, एंड इसमें भी आपका वॉशरूम अटैच रहेगा। यहाँ पे भी आपको सेल्फी मिरर मिल जाता है, जिसको आप कंट्रोल कर सकते हैं। सारी फिटिंग्स जो हैं वो काफ़ी अच्छी रहने वाली हैं, यहाँ पे ब्रांडेड फिटिंग्स रहेंगी सारी। एंड फ्लोर की एक बार टाइलिंग देखिए आप, कितना ब्यूटीफुल टाइल इन्होंने यहाँ पे लगा रखा है, एंड ये एंटीस्किड टाइल आ जाएगा आपका। वॉल पे पूरा लेंथ का आपका टाइलिंग आ जाएगा, ऊपर भी यहाँ पे आपका फॉल सीलिंग रहेगा, एंड आपके टैब्स शार ऑलरेडी यहाँ पे लगा हुआ है। सो ये था हमारा सेकंड बेडरूम। अब चलते हैं हमारे थर्ड बेडरूम में, बट थर्ड बेडरूम में जाने से पहले मैं आपको ये थोड़ा सा बाहर वाला एरिया दिखा देती हूँ। ये आपको काफ़ी अच्छा स्पेस यहाँ पे मिल जाता है, जहाँ पे आप सिटिंग वगैरह कर सकते हो अपना। यहाँ पे भी आप अपना LED पैनल इंस्टॉल कर सकते हैं एंड एंटरटेनमेंट का मज़ा ले सकते हैं। यहाँ पे ये जो डोर आ जाएगा ये लेके जाता है आपको आपके रूफ टॉप तक, जो मैं आपको बाद में दिखाऊंगी। पहले हम हमारा थर्ड बेडरूम चेकआउट करेंगे। सो ये है हमारा थर्ड बेडरूम, ब्यूटीफुल रूम। पहले विंडो देखिए कितना बड़ा है गाइज। रूम में नेचुरल लाइट भी है एंड लाइट्स भी जली हैं, बट जो ज़्यादा पावर है ना वो नेचुरल लाइट का है। यहाँ पे इतनी ज़्यादा लाइट आ रही है आपके रूम में। फ्लोरिंग सारा आपका टाइल्स आ जाएंगी,
ऊपर कंप्लीट फॉल सीलिंग देख सकते हैं, डिफरेंट लाइट्स आप ऊपर देख सकते हैं फॉल सीलिंग में, इनर एंड आउटर। ये भी आपका काफ़ी स्पेशियस आपको रूम मिल जाता है। एंड गाइस, इसमें आपको थोड़ा सा डिफरेंट सिनेरियो मिल जाता है कि आपका ये जो वॉकिंग क्लोजेट है ये थोड़ा अलग रहने वाला है। जैसे यहाँ पे आपके कवर्ड्स आ जाएंगे एंड इस साइड आ जाएगा आपका ड्रेसिंग टेबल विद दिस मिरर एंड स्टोरेज स्पेस, एंड यहाँ रहेगा वॉशरूम। सो ये आ जाएगा वॉशरूम विद ऑल ब्रांडेड फिटिंग। यहाँ पे भी आपका एंटीस्केट फ्लोरिंग आ जाएगा, पूरा वॉल लेंथ का टाइलिंग आ जाएगा, लाइट एंड वेंटिलेशन के लिए विंडो भी प्रोवाइडेड है, एंड ऊपर आप देखेंगे कंप्लीट फॉल सीलिंग आपके वॉशरूम में भी आपको मिल रहा है। एंड गाइज, इस रूम में एक और इंटरेस्टिंग चीज है मेरे पास आपको दिखाने के लिए। इस रूम में आपको बैल्कनी भी मिल रही है, तो आइए। सो ये आ जाएगी हमारी बैल्कनी। काफी अच्छा स्पेस आपको यहाँ पे मिल रहा है, सिटिंग वगैरह कर सकते हो, इतना अच्छा स्पेस मिल रहा है। लाइक ये जो आपका स्पेस है ये वहां तक जाएगा आपका, तो प्लांट्स वगैरह भी लगा सकते हो, बैठने के लिए जगह बना सकते हो, चेयर्स वगैरह लगा सकते हो, काफ़ी कुछ यहाँ पे कर सकते हो। एंड ये जो रेलिंग आ जाएगा आपका ये विद टफन ग्लास यहाँ पे रहने वाला है, तो सिक्योरिटी के पर्पज से काफ़ी अच्छी चीज़ यहाँ पे हो जाती है। सो गाइस, मैंने बोला था कि आपको ये वाला पार्ट मैं बाद में दिखाती हूँ, तो आइए चलते हैं अब। सो यहाँ पे आपको एक और ओपन स्पेस मिल जाता है। सो ये आ जाएंगी स्टेयर्स जो आपको अपने रूफ टॉप तक लेके जाती है। एंड बाहर ये जो स्पेस आप देख रहे हो ये काफ़ी अच्छा ओपन स्पेस आपको यहाँ पे मिल जाता है, जिसको आप मल्टीपर्पजली यूज़ कर सकते हैं। आप अपना ऐसा सामान जो कि आप घर के अंदर नहीं रख सकते वो आप यहाँ पे रख सकते हैं, यूटिलिटी के पर्पज से भी यूज़ कर सकते हैं। तो गाइज, ये था हमारा आज का 140 स्क्वेयर यार्ड का ब्यूटीफुल एंड लग्जूरियस विला जो आपको मिल जाता है वो डिजिटल लॉक इन 125 सेक्टर मोहाली, कनेक्टेड रहेगा आपके PR7 इंटरनेशनल एयरपोर्ट रोड के साथ। एंड अगर मैं सोसाइटी की बात करूँ तो सोसाइटी में ये जो आपका जिसमें ये आपका विला बना हुआ है उसमें आपके काफ़ी वाइड रोड रहने वाले हैं, एंड आपको इस विला के नज़दीक एक पार्क भी मिलने वाला है। सो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है इस विला को लेकर आप स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे हमें कॉल कर सकते हैं। मैं ढूंढती हूँ आपके लिए एक और सुंदर सा घर। तो टिल देन, टाटा बाय बाय।